कुपोषणता एक अभिशाप है। कुपोषणता किसी भी राष्ट्र की प्रतिभा एवं प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है। पोषणता से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के सदस्यों को उनकी दैनिक जीवन की आवश्यकता का निर्धारण करते हुए आवश्यक मात्रा में गेहूँ, चावल आदि की व्यवस्था की गई, जिससे हमारे शरीर की जो आवश्यकता है ऊर्जा की, हमारी प्रोटीन की या हमारी जो है वसा की आवश्यकता है उसको आपूर्ति करने का प्रयास किया गया है। परंतु शरीर के एक संतुलित विकास में खाद्य सब्जियों एवं फलों का विशेष महत्व है। विशेषज्ञ द्वारा ये सलाह दी जाती है स्वस्थ रहने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें 125 ग्राम पत्तेदार सब्जियाँ, इसके साथ साथ 75 ग्राम आपको फल वाली सब्जियां और 100 ग्राम जड़ एवं कंद की सब्जियों के इस्तेमाल की सिफारिश की जाती है। अगर ये सब्जियां स्वस्थ हैं और बेहतर तरीके से उगाई गई हैं, यानी कि आप अगर इन सब्जियों को या कुछ फलदार वृक्षों को स्वयं उगा करके अपने पोषण में सम्मिलित करते हैं, तो इससे आपके पोषण की गुणवत्ता एवं उसका सुधार होता है। मौसम के अनुरूप हमारे किसान भाई या हमारे शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता न्यूट्री गार्डन का विकास कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन किसानों के पास खेती योग्य जमीन है, सिंचाई के साधन हैं, वहाँ पर के वो एक 500 से लेकर के 1000 मीटर का एक क्षेत्रफल को निर्धारित कर सकते हैं और इस प्रकार से अपने परिवार की पूरे साल की आवश्यकता की सब्जियाँ निरंतर रूप से उससे ली जा सकती हैं। उपभोक्ताओं को जो गृह वाटिका या न्यूट्रिशन गार्डन का निर्माण करते हैं, उनको सलाह देना चाहूँगा कि वे पत्तेदार सब्जियाँ, जड़दार सब्जियाँ या वो सब्जियाँ जिनमें पोषणता की दृष्टि से अत्यधिक पोषण है, जैसे लेट्यूस है, ब्रोकली है, इनको उगाने के लिए अपनी गृह वाटिका में सम्मिलित करें। सब्जी फसलों के साथ साथ हमारे शहरी क्षेत्र के लोग अपने गृह वाटिका में सब्जी के रूप में पपीता, सब्जीदार केला, फलदार वृक्षों में नींबू, किन्नू, करौंदा, इस प्रकार के फलों का भी समायोजन किया जा सके अपनी गृह वाटिका में, जिससे उसके न्यूट्रिशन का स्तर और अधिक बेहतर बन जाता है। शहरी क्षेत्रों में एक अवस्था ऐसी होती है जो लोगों के पास जगह नहीं होती है। अगर आपके पास छत है तो आप गमलों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो बचे हुए आपके पैकिंग के सामग्री है, प्लास्टिक की या लोहे की, उनको भी आप इस्तेमाल में ला करके अपनी वांछित सब्जियों को उगा करके अपने परिवार के लिए स्वस्थ और पोषण युक्त सब्जियों का उत्पादन ले सकते हैं। अगर किसी के पास छत भी नहीं है तो ऐसे में अगर आपके पास बालकनी है और आपकी रुचि है तो आप पत्तेदार सब्जियां जिसमें मेथी है, पालक है, धनिया है, पुदीना है, को आप हैंगिंग बास्केट के रूप में उगा सकते हैं या वर्टिकल गार्डनिंग के लिए आप अपनी बालकनी में लोहे की आकृतियों के या वुडन के आप एक फ्रेम का विकास कर सकते हैं। उसमें वांछित आकार के गमले या प्लास्टिक की ट्रे रख करके आप सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं और इस दिशा में सहयोग देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो है बीज उत्पादन इकाई एवं शाकीय विज्ञान संभाग न्यूट्रिशन गार्डन के हिसाब से छोटे छोटे 100 रुपये का पैकेट तैयार करते हैं, जो उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार या उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। और साथ ही साथ पूसा संस्थान में पूरे वर्ष इस प्रकार के मॉडल का प्रदर्शन भी किया जाता है और हमारे जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उसको आकर के कभी भी किसी भी कार्य दिवस में उसका भ्रमण कर सकते हैं।